हमारे सामने ये सोलर का MPPT 30 एम्पीयर का है, इसको चला के दिखाते हैं। यहाँ से हम जरा प्रेस करते हैं तो ये 35 डिग्री जो इस वक्त टेम्परेचर है वो बता रहा है। अब इसको दोबारा स्विच को प्रेस करेंगे तो ये 2.8 एम्पीयर इस वक्त सोलर से आ रही, क्योंकि शाम का टाइम होने वाला है, 2.8 एम्पीयर आ रहा है सोलर प्लेटों से। और इसको फिर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जितने वोल्ट्स आ रहे हैं इस वक्त 26 वोल्ट बता रहा है, यानी कि 26 वोल्ट आ रहे हैं। ये जो दो वायर्स हैं यहाँ पे हमने डायरेक्ट सोलर के दो तारे लगा दिए हैं, यहाँ से जो दो तारे हमने इससे निकाल कर दिए हुई हैं वो उसको बैटरी को, और ये लास्ट पे दो तो आउटपुट आप डीसी ले सकते हैं। ये इसके पूरा फंक्शन से फिर से दिखाते हैं। ये दो सीधी वायर्स हमने ला के लगाई ब्रेकर में, मेन ब्रेकर से, और ये ब्रेकर से जो दो तारे निकल रहे हैं कि ब्रेकर से जो दो तारें आती हैं सीधी वो जाती है MPPT में, यहाँ मेन पे। तो इसके आउटपुट में हमने सीधी दो तारे बैटरी को लगाई, UPS की बैटरी को भी ये देखें चार्ज कर रहा है सोलर। हमने बैटरी की UPS की जो सप्लाई वो निकाल दी हुई है, इसकी बैटरी जो है सोलर से चार्ज हो रही है। अब हम इसके मीटर लगा के इसके वोल्टेज चेक करते हैं कि ये कितने DC वोल्ट निकाल रहा है। ऊपर से जो आ रही है इसको हमने जनाब वाले मीटर को 100 DC वोल्ट पे हमने सेट कर दिया, और यहाँ पे चला के आपको इसकी डिस्प्ले भी दिखाते हैं कि कितने वोल्ट है। ये देखें जनाब इस वक्त ये 11 वोल्ट निकाल रहा है, क्योंकि रात का टाइम है, शाम 6 बजने वाले हैं, तो इस वक्त धूप कम हो जाती है और वोल्टेज जो कम हो गए हैं।